हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तड़के वाली भुना चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। चिकन के लिए हमने गैस पे प्रेशर कुकर रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो भुना चिकन के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल डाली जाती है। यहाँ पे हम सरसों का यूज कर रहे हैं क्योंकि सरसों का तेल चिकन के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप अपने अंदाज अनुसार तेल डालिए, वैसे तो 4 चम्मच परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं अपनी तेल गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फोरन डालेंगे। तो फोरन के लिए हमने लिया है जीरा 1 बड़ा चम्मच, 3 बड़ी इलायची, 1 बड़ी सी दालचीनी स्टिक, 20 से 25 ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 20-25 लौंग, थोड़ा सा तेज पत्ती हमने लिया है। अब हम सभी फोरन को तेल में छोड़ देंगे। ध्यान रहे, जब भी आप फोरन डालिए उसमें फ्लेम को स्लो कर लीजिए, नहीं तो फोरन नाक से जल जाता है, फिर टेस्ट नहीं आता है। आप देख सकते हैं अपना फोरन जो है हल्का फ्लेम पे हमने इसे फूटने तक पका लिया है, यानी कि इसकी सारी अरोमा अपने तेल में आ चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 8 बड़े बड़े प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट रखा है। तो इसमें हम सभी प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें तेल में करीबन 10 मिनट तक गलने तक पका लेना है। इतने में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 बड़े बड़े लहसुन यानी कि पोठा बोलते हैं हम लोग, उसको छील लिया है। 12 से 15 हरी मिर्च ले रखा है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने छील लिया है। तो इन सबको हम मिक्सर जार में एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। प्याज को हमने करीबन 5-6 मिनट तक भुना है। इस स्टेज पे हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसे हमने आपको दिखाया था दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसी टाइम पे हम इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये भी साथ में अच्छे से भून जाएगा। जब तक अपना प्याज लहसुन भून रहा है तब तक हम कुछ सूखे मसाले तैयार कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 से 5 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पे सारे अंदाज आपको 1.5 किलो चिकन के बता रहे हैं। तो हम 4 से 5 चम्मच मिर्च भी लेंगे। मिर्च तीखा हो तो कम कर दीजिए और कलर वाली हो तो थोड़ा ज़्यादा चलता है। हल्दी डालना है हमें, तो हल्दी हम 2 ही चम्मच डालेंगे, हल्दी ज़्यादा नहीं डाला जाता है। इसी टाइम हम नमक भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ आपको, अगर आपको 1 किलो चिकन बनाना है तो ऐसी छोटी चम्मच से आप 4 चम्मच नमक ले सकते हैं, वो परफेक्ट माप होता है। तो चलिए हम मसाला चिकन में ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना मसाला डाल लेते हैं। मसाला को भी हम अच्छे से भूनेंगे। करीबन 4 से 5 मिनट तक हम प्याज के साथ मसाला भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपने प्याज मसाला सब भून चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे चिकन। तो आप देख सकते हैं हमने 1.5 किलो चिकन है जिसका स्किन वगैरह निकलवा लिया है। चिकन को अच्छे से हमने धो लिया है। अब इसी मसाले में हम चिकन अपना डाल देंगे। अगर चिकन ताजी हो, अच्छी हो तो बहुत ही चिकन बनता है। चिकन को हम अच्छे से मसाला में मिक्स करेंगे। देख सकते हैं हमने चिकन को मसाला में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने जा रहे हैं जो कि चिकन के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो है ये लहसुन, जिसका हमने स्किन निकाल के उसका रूट काट के अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे हम डाल देंगे। इससे चिकन का ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाता है। एक बार आप भी जरूर डाल के बनाइएगा।
चिकन को भी हमने मसाले के साथ 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसे कवर लगा के 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। एक बार मैं आपको चिकन दिखा दे रही हूँ। हमने स्लो फ्लेम पे इसे चलाते हुए 5-6 मिनट तक भूना है। ये हमने अलग से बिल्कुल पानी नहीं डाला है, अपने प्याज और चिकन की पानी है, इसी में हम इसे पकाएंगे, तभी तो इसे हमने भुना चिकन नाम दिया है। चलिए अपना चिकन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चिकन तैयार हुई है। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने अलग से पानी नहीं डाला है, अपना जो भी मसाला और प्याज लहसुन चिकन का पानी है उसी में ये भुना चिकन बना है। बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। अपनी चिकन भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसका तड़का का तैयारी कर लेते हैं। गैस पे हमने देसी घी गर्म होने के लिए रख लिया है। घी को अच्छे से हमें मेल्ट होने देना है। आप देख सकते हैं अपनी घी गर्म हो गई है, मेल्ट भी हो गई है और गर्म भी हो गई है। इतनी भी गर्म नहीं हुई है कि जीरा डालें तो जल्दी से जल जाए, हल्की सी गर्म हुई है। इसी स्टेज पे हम अपना जीरा डालेंगे। जीरा को हम धीरे धीरे घी में पकाएंगे जिससे उसका फ्लेवर आ जाए अपने घी में। घी में जीरा अपना अच्छे से फूट चुका है, हमें इसे काला नहीं होने देना है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, जीरा का कलर जस्ट ब्राउन होना शुरू हुआ है। इस स्टेज पे हम गैस से अपना जीरा हटा लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। कभी भी आप मिर्च पाउडर गैस से हटा के डालिए, नहीं तो जलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी तड़का तैयार हुई है। हम फ्लेम को कर ले रहे हैं ऑफ। तो चलिए हम चिकन की प्लेटिंग कर ले रहे हैं। कितनी बढ़िया अपनी चिकन बनी है, आप देख सकते हैं। चिकन पे डालेंगे अपना घी वाला तड़का। यही भुना चिकन का स्वाद चिकन में 4 चांद लगा देता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया ये भुना तड़का वाला चिकन कितना आसानी से बनके तैयार हुआ है। कलर और स्वाद का क्या कहना, इसे आप बनाएंगे तो महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए कैसा लगा मेरा वीडियो, जिससे मेरे हौसला बढ़े आगे की वीडियो बनाने का। धन्यवाद।